दोस्तों, आपने मकड़ियों को तो देखा ही होगा, जो कि ज्यादातर सभी के घरों में पाए जाते हैं, जिनसे बहुत से लोग डरते भी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी मकड़ियां दिखाने वाले हैं जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा और जिन्हें देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिकॉक स्पाइडर। दोस्तों, पिकॉक का नाम सुनते ही आप समझ चुके होंगे कि इस मकड़ी की कोई ना कोई बात पिकॉक से ज़रूर मिलती होगी, तभी तो इसका नाम पिकॉक स्पाइडर रखा गया है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे हैं, क्योंकि इस मकड़ी का कलर कुछ हद तक पिकॉक जैसा होता है और इसी वजह से इस मकड़ी को पिकॉक स्पाइडर कहा जाता है। इस मकड़ी में काफ़ी खूबसूरत कलर होते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी नज़र आती है और इसी वजह से इस मकड़ी को दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट मकड़ी की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है, क्योंकि इन स्पाइडर पर हमें बेहद ही अनोखे और खूबसूरत कलर वाले टेक्सचर देखने को मिलते हैं। ये स्पाइडर मूल ऑस्ट्रेलिया की एक खास प्रजाति है, जो कि चलते हुए ऐसी लगती है कि मानो ये लोग डांस कर रहे हों। इस स्पाइडर के हर एक प्रजाति पर हमें अलग अलग टेक्सचर देखने को मिलते हैं और इसी वजह से ये स्पाइडर बेहद ही ज्यादा खास होती हैं। नेक्स्ट इज मेटालिक टैरेंटुला। दोस्तों, इस प्रजाति के स्पाइडर हमें नीले कलर में देखने को मिलते हैं, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इनके पैरों की अगर हम बात करें तो इनके पैर बाकी स्पाइडर के मुकाबले ज्यादा लंबे और ताकतवर होते हैं। ये जंगलों में रहने के बावजूद भी इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इन्हें जमीन के अंदर और चट्टानों में रहना ही पसंद है। इन स्पाइडर के बिहेव की बात करें तो ये हमेशा ही आपको अंधेरे में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्हें उजाले में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता और उजाले में आते ही ये छुप जाते हैं। इस स्पाइडर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काफी जानलेवा हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पाइडर बिहेव में बेहद ही ज्यादा शांत होते हैं, जब तक कि इन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता तब तक ये अटैक बिल्कुल भी नहीं करते। तो दोस्तों, क्या आपने इस तरह की मकड़ी को पहले कभी देखा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चले। नेक्स्ट इज द डिकॉय वेविंग स्पाइडर। दोस्तों, अभी तक आपने कई तरह की मकड़ियाँ देखी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये मकड़ी बाकी सभी मकड़ियों से बेहद ही अनोखी है और चालाक है। ये स्पाइडर अपने शिकारी को चकमा देने के लिए अपने जाले को इस तरह से बुनते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई स्पाइडर पहले से ही इसमें फंसा हुआ है, जिसे देखकर कोई भी शिकारी इसके पास आता है और ये उस शिकारी का ही शिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि स्पाइडर इतनी ज्यादा चालाक हो सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताते चलें। आगे बात करते हैं द लॉन्ग हॉर्न वीवर की। दोस्तों, अब जो स्पाइडर आप देखने वाले हैं, उसे देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कोई स्पाइडर है, बल्कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये जंगल का कोई खूबसूरत सा जीव है, जिसे देखकर आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ये एक खास प्रजाति का स्पाइडर है, जिसके सर पर आप देख ही सकते हैं कि दो लंबे से सींग है, जो कि आपको किसी भी नॉर्मल स्पाइडर में देखने को नहीं मिलेंगे और इसी वजह से इसका नाम लॉन्ग हॉर्नेट बीवर रखा गया है। इस प्रजाति के स्पाइडर आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार और यूएसए वगैरह। आपको इन स्पाइडर में कई कलर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू वगैरह। इसके साथ ही आपको इन स्पाइडर की बॉडी पर ब्लैक कलर के डॉट्स भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपने शायद ही पहले कभी इस तरह की स्पाइडर को देखा होगा। अगर आपने इस तरह के स्पाइडर को पहले कभी देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताते चलें। द चाइनीज हॉर ग्लास स्पाइडर। इस तरह के स्पाइडर आपको खास तौर से चाइना में ही देखने को मिलते हैं, जिन्हें आपने आज से पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। इस स्पाइडर को देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर इसका मुंह किस तरफ है। आप इस स्पाइडर के इस भाग को देखकर इसे इसका मुंह समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो इस स्पाइडर के पीछे का भाग है, जिस पर एक खास तरह का सिंबल जैसा डिजाइन बना होता है, जो कि बेहद अलग दिखने की वजह से इसके आंख और मुंह जैसी लगती है। ये एक ऐसे स्पाइडर है जिसे प्राचीन काल में खोजा गया था। उस समय के राजवंशी इन्हें शक्ति का प्रतीक मानते थे। चाइना की एक अनोखी प्राचीन काल की किताब में इन स्पाइडर का पूरी तरह से जिक्र किया गया है। नेक्स्ट इज गोलियत बर्ड ईटर।
अभी जो स्पाइडर आप देख रहे हैं वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइडर माना जाता है। अगर इनके कलर की बात की जाए तो आपको ये ब्राउन गोल्डन कलर में देखने को मिलते हैं। इनके बारे में बता दें कि जब इनका जन्म होता है तब इनका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे ही इनका कलर भी लाइट होता चला जाता है। अंडों की बात करें तो ये एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे दे सकते हैं। ये स्पाइडर करीब 15 इंचेस तक बढ़ जाते हैं, जो कि एक छोटे पपी के आकार के साइज के बराबर है। द डेजर्ट टास्क वोल्फ स्पाइडर, ये एक ऐसा स्पाइडर है जो कि दिखने में हॉर्नेट वीवर स्पाइडर जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस प्रजाति का स्पाइडर हमें पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलता है, जो कि मडेरा आइलैंड में स्थित है। ये स्पाइडर ज़्यादातर चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं, जिन्हें अगर आपको खोजना हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि इन स्पाइडर में 8 आँखें होती हैं, जो कि दुनिया में सबसे ही अलग है। और अगर इनके जहर की बात की जाए तो वोल्फ स्पाइडर में दुनिया का सबसे खतरनाक जहर पाया जाता है। द हॉरिड ग्राउंड वीवर, स्पाइडर्स की इस लिस्ट में हमने आपको बेहद ही अनोखे स्पाइडर्स के बारे में बताया, लेकिन अब जिस स्पाइडर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो बाकी सभी स्पाइडर्स से बेहद अलग है। ये स्पाइडर बाकी सभी स्पाइडर्स से बेहद अलग इसलिए हैं क्योंकि अगर इन्हें आपको देखना है तो आपको ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे, और वो है इंग्लैंड। ये स्पाइडर इंग्लैंड की एक खास स्पाइडर की प्रजाति है, जिसे कुछ जगहों पर मंकी स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति के हमें 1995 से लेकर अब तक सिर्फ 9 स्पाइडर ही देखने को मिले हैं। इस स्पाइडर का नाम ग्रीक और लैटिन दो अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। नेक्स्ट इज द फरी अल्बिनो स्पाइडर। दोस्तों, अब तक आपने जितने भी स्पाइडर देखे उन सभी को देखकर आपको डर ही लगा होगा, या फिर पसंद तो बिल्कुल भी नहीं ही आए होंगे, लेकिन अभी जिस स्पाइडर को आप देख रहे हैं उसे देखकर शायद ही किसी को डर लगेगा, और ये स्पाइडर पहली ही नज़र में किसी को भी पसंद आ सकता है, जिसे फरी अल्बिनो स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। इस स्पाइडर को साउथ वेस्ट अफ्रीका में खोजा गया था। आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि ये स्पाइडर कितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इन स्पाइडर का शरीर सफ़ेद कलर का होता है और उस पर इनकी गुलाबी आंखें बेहद ही ज़्यादा जचती हैं। अगर इन्हें दूसरे स्पाइडर से कंपेयर किया जाए तो ये दूसरे स्पाइडर से बेहद ही ज़्यादा अनोखे होते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ बेहद ही अनोखे स्पाइडर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।